हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पलामू प्रमंडल का। तो पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो पलामू प्रमंडल का इतिहास बहुत ही गौरवमय रहा है और इस प्रमंडल पर चेरो वंश का शासन था। इन्हीं के द्वारा दो ऐतिहासिक किलों का निर्माण हुआ जिन्हें पलामू किला के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ के एक राजा थे, राजा मेदनी राय, जिनकी शासन में चेरो वंश बहुत ही विकसित हुआ और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इससे पहले भारत में मुगलों का आगमन हो चुका था, जिनकी नजर अब झारखंड के पलामू प्रमंडल पर चेरो वंश के राजा के ऊपर थी, जिसे कब्जा करना चाह रहे थे। तो मुगलों ने अपनी सेनापति सहजता खां को आक्रमण के लिए भेजा 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में जब सहजता खां आया आक्रमण के लिए, तो यहाँ के राजा इसकी मनसा को पहले ही समझ गए थे कि ये आक्रमण के लिए आ रहा है, तो इससे वो परिचित है ही। तो वो इसे आक्रमण करने से पहले ही इसे यहाँ से भगा दिए, ठीक है। और भागने के बाद इनका जो शासन था और भी कुशल हो गया और लोग जो थे इन राजा के और भी पक्ष में आ गए। कुछ समय बाद जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया था, तो उनकी भी नजर अब इस पे पड़ी। तो अंग्रेजों का जो सेना था, सेनापति कैप्टन केमक, वो आक्रमण के लिए आया। तो वो अपनी सेना और आधुनिक हथियारों के साथ में आया। जब वो आक्रमण के लिए आया तो यहाँ के राजा इसके सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि इनके पास वैसा औजार था नहीं कि इनसे लड़ सके। तो इस कारण इन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो ये तो इतिहास रहा इसका। अब आइए समझते हैं ये पलामू जिले के बारे में। हर एक जिले के बारे में समझेंगे, तो पहले हम पलामू जिला के बारे में समझते हैं कि पलामू जिला का क्या इसका विवरण है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो पलामू जिला का जो क्षेत्रफल है वो 4393 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें जनसंख्या क्या, तो पलामू की कुल जनसंख्या जो है वो है 1,39,839, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो 10,06,302 और महिला जनसंख्या जो है 933,567। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो है आपका, बात करें जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व है 442 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है 63.63%, जिसमें पुरुष का जो है 74.3% और महिला साक्षरता दर जो है 52.1%। लिंगानुपात जो है वो है 929:1,000। यहाँ के जो प्रमुख फसल है वो है धान और गन्ना। और गन्ना नदी की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख नदी है सोन। कोयल औरंगा। खनिज की बात करें तो खनिज है यहाँ पे आपका लोह अयस्क, बॉक्साइट, लिथियम, डोलोमाइट, शीशा,
चांदी और कोयला आदि प्रमुख है। और पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल जो है वह है मिर्चैया जलप्रपात, और एक है गर्म जल का ताता पानी कुंड। कारखाना यहाँ पे तो है नहीं। और पलामू जिला जो है वो मैप में देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसे। और इसका जो गठन हुआ है पलामू जिला का वो हुआ है 2 जुलाई 1928 का। तो ये रहा पलामू जिला का विवरण। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग गढ़वा के बारे में। अगर गढ़वा जिला का बात करें तो गढ़वा जिला मैप में यहाँ पे है, ये है गढ़वा जिला का मैप। और गढ़वा जिला का जो गठन है वो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1991। एक अप्रैल 1991 को गढ़वा का गठन हुआ जो कि पलामू से अलग होकर बना है। और अगर बात करें इसका कुल क्षेत्रफल का तो गढ़वा जिला का जो कुल क्षेत्रफल जो है वो है 4093 वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या गढ़वा का है 13,22,784, जिसमें पुरुष की जनसंख्या जो है वो है 6,83,575। और अगर महिला की बात करें तो महिला जनसंख्या जो है 6,39,209। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 323 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर जो है यहाँ पे वो है 66.3%। और जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वो है 72.2%। और महिला साक्षरता जो है 47.6%। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो है वो है 935 प्रति हजार। और यहाँ की प्रमुख फसल जो है वो है धान, गेहूं और मक्का। और नदी की बात करें तो प्रमुख नदी है यहाँ पे सोन, कोयल और औरंगा। और यहाँ का जो खनिज है वो है लोह अयस्क, ग्रेफाइट, सीसा, बॉक्साइट और कोयला। और अगर गढ़वा में पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे है सुखदारी,
गुरु सिंधु और है एक बलचोरा जलप्रपात। और गढ़वा जिले में कारखाना की बात करें, यहाँ पर एक कारखाना है बिहार कास्टिंग एंड केमिकल। और गढ़वा जिला में एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, एग्जाम में पूछा भी है, जो कि है बंसीधर मंदिर। जो कि नगर उटारी में आता है। ये रहा आपका गढ़वा जिला का। और इसके आगे आप पढ़ते हैं हम लोग लातेहार के बारे में, तो देखते हैं लातेहार का क्या है विवरण। ठीक है, लातेहार जो है वो झारखंड में यहाँ पे है। और बात करें लातेहार का गठन, तो लातेहार का गठन जो हुआ था वो 4 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, लातेहार का गठन। ये भी पलामू से अलग होकर बना है। तो अब बात करते हैं लातेहार का क्षेत्रफल। तो लातेहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 4291 वर्ग किलोमीटर है। और लातेहार का कुल जनसंख्या जो है वो 7,26,978 है, जिसमें पुरुष संख्या जो है 3,69,666। और महिला की बात करें तो महिला है 357,312। अगर लातेहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो लातेहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 169 वर्ग किलोमीटर है। और लातेहार का जो साक्षरता दर है वो 59.5%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो 70.8% और महिला जो है 48.7% है। और बात करें लातेहार का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो है 967 प्रति हजार है। और यहाँ का जो प्रमुख फसल है वो है धान, गेहूं और मक्का। लातेहार की प्रमुख नदी बात करें तो लातेहार की प्रमुख नदी है सोन, कोयल और औरंग। और लातेहार के खनिज के बारे में बात करें तो यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है और बॉक्साइट के बाद सीसा और उसके बाद डोलोमाइट और कोयला भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बात करें लातेहार के पर्यटन स्थल के बारे में तो यहाँ पे पलामू किला है और नेतरहाट और एक है बूढ़ा घाट जलप्रपात।
खाना की बात करें तो लातेहार में एक खाना भी है हिंडालको का, हिंडालको का फसमेल्टर प्लांट। और बीड़ी बनाने का पत्ता भी है और लकड़ी का जो है लघु उद्योग। लातेहार में एक मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है, नगर भगवती मंदिर। और एक पार्क है जो कि राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय पार्क। तो यह था आज का हमारा टॉपिक जो कि यहां समाप्त होता है। इसके बाद अब हम संथाल परगना प्रमंडल के बारे में जितने भी जिले आते हैं उनके अंतर्गत सभी को बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।